हेलो दोस्तों दोस्तों आज का जो हमारा पौधा है वो है गुड़हल का पौधा, हिबिस्कस प्लांट। और हिबिस्कस का जो प्लांट होता है दोस्तों वो एक समर फ्लावरिंग प्लांट होता है। लेकिन अभी जो है दोस्तों रेनी सीजन चल रहा है, बरसात का टाइम चल रहा है, जुलाई का महीना चल रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि गुड़हल के पौधे में फ्लावरिंग नहीं होगी, उसकी अच्छी ग्रोथ नहीं आएगी और पौधा हेल्दी नहीं होगा। गुड़हल का जो पौधा होता है दोस्तों वो बरसात के टाइम पर भी बहुत ही अच्छी खासी फ्लावरिंग करता है, उसमें बहुत ही अच्छी खासी नई ग्रोथ भी आती है। बस उसको जो है दोस्तों आपको सही समय पे और सही न्यूट्रिशन देने की आवश्यकता होती है। अगर आप समय समय पे उसको अच्छा न्यूट्रिशन देते हो और उसकी अच्छे से केयर करते हो तो गुड़हल के पौधे में हर सीजन जो है दोस्तों वो बहुत ही अच्छी खासी फ्लावरिंग होती है। चाहे वो हाइब्रिड पौधा हो या फिर देसी किस्म का पौधा हो, सारे ही पौधे में बहुत ही अच्छी खासी फ्लावरिंग होती है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी यह कह रहे हैं कि उनका जो गुड़हल का पौधा है वो फ्लावरिंग नहीं हो रहा है, उसमें नई ग्रोथ नहीं आ रही है और पत्तियाँ पीली होकर गिर रही है, और अगर कलियाँ भी रही है तो कलियां बिना खिले ही गिर जा रही है। तो इस तरह की समस्या अभी गुड़हल के पौधे में देखने को मिल रही है, क्योंकि ये बरसात का पौधा नहीं होता है तो बरसात के टाइम पे इस तरह की समस्या जो है वो गुड़हल के पौधे में देखने को मिलती है दोस्तों। तो अभी आपको अपने पौधे को किस तरह से केयर करनी है और कौन सा न्यूट्रिशन देना है दोस्तों वो मैं आप सभी को बताने वाली हूँ। तो केयर से रिलेटेड जो है दोस्तों मैं ज्यादा लंबा आप सभी को नहीं बताऊंगी, मैं शॉर्टकट में आप सभी को बता देती हूँ कि आपको क्या करना है। गुड़हल के पौधे को आपको बारिश का पानी दिलाना है, ये सबसे पहला पॉइंट है। बारिश का पानी दिलाने के बाद जो है दोस्तों जब भी धूप आए तो आपको अपने पौधे को प्रॉपर धूप दिलाना है, ये दूसरा पॉइंट है। और तीसरा पॉइंट जो है दोस्तों वो यह है कि आपको अपने गमले की मिट्टी को सूखने देना है। जब तक गमले की मिट्टी ना सूखे तब तक आपको उसमें पानी ना देना है। अगर गमले की मिट्टी में फिर से पानी आ जा रही है और उससे गीली पड़ जा रही है तो वो कोई बड़ी समस्या नहीं है दोस्तों आपको, लेकिन खुद से पानी नहीं देना है जब गमले की मिट्टी भीगी हुई रहे तो आपको इस तरह की बातों का भी ध्यान देना है। उसके बाद चौथा काम आपको जो करना है, जो भी फ्लावर्स खिल चुकी हैं उनको आपको इस तरह से तोड़ के हटा देना है, उनको आपको पौधे में नहीं रखना है। तो ये जो चारों ही काम है, ये चारों ही काम आपको अपने गुड़हल के पौधे में करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद ये चारों ही काम करने के बाद जो है दोस्तों मैं आप सभी को बताती हूँ कि आपको अभी अपने पौधे को कौन कौन सा फर्टिलाइज़र देना है। जिनके पौधे में इस तरह की समस्या आ रही है कि पत्तियाँ पीली होकर गिर रही हैं, कलियाँ जो है वो गिर रही हैं, वो खिल नहीं पा रही है, तो उनको आपको समझ जाना है दोस्तों कि उनके पौधे में बहुत ही ज़्यादा उनके गमले की मिट्टी में फंगस लग गई है। तो उनको क्या करना है, सबसे पहले गमले की मिट्टी की उनको गुड़ाई लेना है। गुड़ाई करने के बाद आपको गुड़ाई करके छोड़ देना है। जैसे कि पौधे में हवा पानी लगे, धूप लगे, उससे क्या होगा, जो भी फंगस वगैरह होते हैं वो कुछ हद तक खत्म हो जाते हैं। इसलिए समय समय पे हमें गमले की मिट्टी की गुड़ाई करना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। इसलिए जिनके भी पौधे में इस तरह की समस्या आ रही है वो गमले की मिट्टी की सबसे पहले गुड़ाई कर ले। उसके बाद गुड़ाई करने के बाद जो है दोस्तों आप उसमें सबसे पहले एक चम्मच हल्दी पाउडर या फिर एक चम्मच जो है दोस्तों आप लकड़ी के राख का इस्तेमाल करें। तो मेरे पौधे में जो है दोस्तों वो इस तरह की समस्या तो नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी मैं आप सभी को इस्तेमाल करके दिखा रही हूँ। जैसे कि इस तरह से मैं आधा चम्मच हल्दी पाउडर ले लूँगी और इस तरह से चारों तरफ से जो है दोस्तों आपको बिखर के इस तरह से और इस तरह से हल्दी पाउडर को देना है, ताकि मिट्टी में ये बहुत ही अच्छे से मिल जाए। उसके बाद इस तरह से हमने इसमें हल्दी पाउडर दिया है, उसी गमले में जो है दोस्तों हमें इस तरह से लकड़ी के राख का भी इस्तेमाल करना है। इस तरह से आप लकड़ी के राख का भी इस्तेमाल इसमें इस तरह से कर दें। उसके बाद जो है दोस्तों ये दोनों ही चीज़ उनके लिए था जिनके पौधे में पत्तियाँ पीली होके गिर रही है या फिर कलियाँ बिना खिले ही गिर जा रही है, उनको ये दोनों ही चीज़ देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद मैं आप सभी को बताती हूँ कि आपको फर्टिलाइज़र के तौर पे किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करना है जो कि होममेड हो और आपके पौधे में उससे किसी भी तरह की खराबी ना आए। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ जो है यहाँ हमने चार चीज़ लिया हुआ है फर्टिलाइज़र के तौर पर। तो चलिए मैं एक्सप्लेन करती हूँ आप सभी को कि ये चारों ही जो चीज़ें दोस्तों ये क्या क्या है। ये जो है दोस्तों ये है ओनियन पील फर्टिलाइजर, और इस ये जो है दोस्तों इसको हमने क्या किया है, प्याज के छिलके को अच्छे से सुखा के और मिक्सर ग्राइंडर की सहायता से अच्छे से ग्राइंड करके छोटे छोटे टुकड़ों में ले आया है। तो इसको जो है दोस्तों इसका इस्तेमाल से आपके पौधे में सल्फर की कमी नहीं होगी और तो और आपके पौधे के रूट्स जो है वह बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होंगे, क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छा रूटिंग हार्मोन का भी काम करता है। उसके बाद यहाँ जो हमने लिया हुआ है ये है ऑरेंज पील फर्टिलाइजर, और संतरे के छिलके को हमने क्या किया है अच्छे से सुखा के और मिक्सर ग्राइंडर की सहायता से ग्राइंड करके इसको पाउडर के फॉर्म में बना के रख लिया है, और इसके इस्तेमाल से आपके पौधे में नाइट्रोजन पोटेशियम फास्फोरस की कमी बिल्कुल भी नहीं होगी। और उसी तरह से सेम यहाँ पे हमने लिया हुआ है बनाना फील फर्टिलाइजर, केले के छिलके का फर्टिलाइजर जो है दोस्तों, केले के छिलके को सुखा के हमने अच्छे से मिक्सर ग्राइंडर की सहायता से ग्राइंड करके और रख लिया है, और ये
सारे ही जो तीनों ही चीज़ हमने बताया, इन तीनों ही चीज़ों को आप स्टॉक करके महीने दो महीने तक भी रख सकते हो। ऐसा नहीं है कि एक बार ग्राइंड करने के बाद आप इस्तेमाल नहीं किए तो ये जो है आपके पौधे में वेस्ट हो जाएगा या फिर आपको फेंकना पड़ेगा। आप इसको स्टॉक करके रख सकते हो और स्टॉक करके रखने के बाद आप 15 दिन में एक बार अपने सारे ही पौधे में इसका इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद यहाँ जो हमने चौथा चीज़ लिया हुआ है वो है ये सीवीड ग्रेन्यूल। सीवीड ग्रेन्यूल जो होता है ये समुद्री शैवाल से बना हुआ होता है और ये बिल्कुल ही ऑर्गेनिक होता है, होममेड होता है। हमारे पौधे में इससे किसी भी तरह की कोई भी खराबी नहीं होती है, इसलिए हमें समय में एक बार सीवीड ग्रेन्यूल का इस्तेमाल करना भी जो है दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये इसके इस्तेमाल से हमारे पौधे में फल फूल की वृद्धि को जो है ये बढ़ावा देता है और तो और हमारे पौधे की ग्रोथ भी जो है वो बहुत ही तेज़ी से होने लगती है। किसी भी तरह की कोई भी न्यूट्रिशन की अगर कमी होती है तो इसकी सहायता से हमारे पौधे में उस न्यूट्रिशन की भरपाई भी हो जाती है और हमारा पौधा का जो इम्यूनिटी होता है वो भी बहुत ही अच्छा होता है। हमारे पौधे को स्वस्थ रखने में भी ये बहुत ही अच्छे से हेल्प करता है। तो सीवीड ग्रेन्यूल का आपको कितनी क्वांटिटी में इस्तेमाल करना है, तो ये जो मेरा गमला है ये 8 इंच का गमला है, तो 8 इंच के गमले के लिए यहाँ हम लोग आधा चम्मच प्रेफर करेंगे कि आधा चम्मच आप इस तरह से डाल दें। और डालने के बाद जो है दोस्तों आपको इस तरह से मिट्टी में इसको मिला देना है। इसमें जब भी पानी आएगी तो धीरे धीरे ये घुल जाता है और घुलने के बाद इसका न्यूट्रिशन धीरे धीरे हमारे पौधे को मिल जाता है। जैसा कि अभी बारिश का टाइम चल रहा है तो इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफर करती हूँ कि मैं सॉलिड के फॉर्म पे या फिर पाउडर के फॉर्म में ही फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करूँ। गर्मी के टाइम पे आप इसका लिक्विड बना के भी इस्तेमाल कर सकते थे, आप इसको पानी में घोल के भी इस्तेमाल कर सकते थे। पानी में घोलने के बाद ये बहुत ही आसानी से घुल जाता है दोस्तों, तो इस तरह से आप इसको डाल के दे सकते हो। उसके जगह पे जो है दोस्तों आप ये बनाना फिल फर्टिलाइज़र भी 1 चम्मच दे सकते हो और ये जो है ये संतरे के छिलके का जो फर्टिलाइज़र है ये भी आप दे सकते हो और ये जो है ये ऑनियन फील फर्टिलाइज़र भी दे सकते हो। ये चारों ही फर्टिलाइज़र आप अपने गमले में दे सकते हो दोस्तों और एक टाइम पे ही चारों फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हो। ये बिल्कुल ही ऑर्गेनिक है, आपके पौधे में किसी भी तरह की इससे खराबी नहीं होगी। तो चलिए आधा आधा चम्मच करके मैं क्या करूँगी, इस तरह से आधा चम्मच करके मैं सारी ही चीज़ों को इसमें ऐड करके दिखा देती हूँ आप सभी को। तो इस तरह से मैंने इसको दे दिया है और इसको भी जो है दोस्तों इस तरह से मैं इसमें भुरभुरा दूँगी और उसके बाद मैं गमले की मिट्टी को क्या करूंगी, इसमें चारों ओर से मिला दूंगी इस तरह से। इस तरह से जो है दोस्तों इसको अच्छे से मिला देना है। मिलाने के बाद मैं इसमें पानी नहीं देने वाली हूँ क्योंकि हमारे यहाँ पे तो डेली ही बारिश हो ही रही है, गमले की मिट्टी ऑलरेडी गीली रहती है और पानी देने से गमले की मिट्टी और ज़्यादा चिपचिपी हो जाती है, सूख नहीं पाती है। इसलिए मैं इसमें गमले की मिट्टी में पानी नहीं दूंगी, बस मैं अच्छे से इसको मिला के और छोड़ दूंगी। जैसे जैसे पानी आएगा वैसे वैसे इसको न्यूट्रिशन मिलते रहेगा और पौधा ग्रोथ अच्छे से करते रहेगा। बस इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल आपको जो है वो 15 दिन में एक बार करना है और 15 दिन में एक बार अगर आप इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर लिए हो तो फिर दोबारा आप दूसरा कोई भी फर्टिलाइज़र ना दे, चाहे तो वो केमिकल हो या फिर ऑर्गेनिक हो। और जो लोग ये सारे फर्टिलाइज़र नहीं बना पाते हैं उनके लिए मैं अल्टरनेट में फर्टिलाइज़र बता देती हूँ जो मार्केट से लेके दे सकते हैं, तो वो इसके जगह पे जो है दोस्तों एप्सम सॉल्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर जो सबसे बेस्ट होगा वो होगा DAP डाई अमोनियो फॉस्फेट। ये एक बहुत ही अच्छा उर्वरक है, खेती बाड़ी में इसके बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, लेकिन हम गार्डनर लोग जो है दोस्तों वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफर यही करते हैं कि केमिकल फर्टिलाइज़र को अवॉइड करें और ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, होममेड फर्टिलाइज़र का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र और होममेड फर्टिलाइज़र जो होता है वो उसमें एक तो है कि हमें थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता होती है, लेकिन यह बात है दोस्तों कि वो हमारे पौधे को किसी भी तरह की खराबी नहीं करता है और हमारे पौधे को बहुत ही अच्छे से हेल्दी रखता है। तो इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रेफर करती हूँ कि ऑर्गेनिक और होममेड फर्टिलाइज़र का ही इस्तेमाल करूँ। तो मेरी इस छोटी सी वीडियो में दी गई जानकारी अगर आप सभी को अच्छा लगा दोस्तों तो मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करने से हमारे जो भी वीडियोस आते हैं उसके नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल जाएंगे और आपको कोई भी अपडेट जो है आपसे वो मिस नहीं होगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, नमस्कार।